हजारों रहस्यों और कहानियों से भरी छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ आज भी भूत प्रेत डायन चुड़ैल खजाना और ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जहाँ पर लोग आज भी जाने से डरते हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ इन्हीं अलसुलझे राज्य से परिचित कराते हैं। इतिहास में आपने शैलचित्रों के बारे में जरूर पढ़ा होगा और देखा भी होगा, पर क्या आपने चमकने वाले शैलचित्र देखे हैं? जी हाँ, रायगढ़ के खैरपुर में मौजूद यहाँ चमकने वाले शैलचित्र लोगों को हैरान करती है। अब सवाल यहाँ उठता है कि आज से 10,000 साल पहले किस केमिकल से यहाँ शैलचित्र बनाई गई होगी, आज तक रहस्य है। लोग सांपों से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के तपकरा में इंसान और सांप के बीच एक अद्भुत रिश्ता दिखाई देता है। यहाँ के लोग सांप को पालते हैं और उसी के साथ सोते हैं। हैरानी की बात तो यहाँ है कि ये सांप किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ करैत व नाग की कुल 40 प्रजातियाँ पाई जाती है। इसी कारण इस जगह को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है। अंबिकापुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर दरिमा के पास बड़े बड़े पत्थरों का समूह है। इन पत्थरों को ठोकने पर वाद्य यंत्र की आवाज़ें आती है। क्या डिफरेंस देखते हैं अपन? तो ये देखिए, इस तरह से आवाज आ रहा है। एक ही पत्थर के दो टुकड़े अलग अलग आवाज पैदा करते हैं। इस विलक्षणता के कारण स्थानीय लोग इन पत्थरों को थिनथिनी पत्थर कहते हैं। आपने अपने इस महान जीवन में कभी ना कभी मछलियों के दर्शन जरूर किए होंगे, परंतु आपने कभी बिना आंखों की मछली देखी है? जी हाँ, कुटुम्बसर की गुफा में 100 मीटर की गहराई पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है। कहा जाता है कि हजारों सालों से अंधेरे में रहने के कारण इनकी आंखें पूरी तरह गायब हो गई है। ऐसी मछली दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती। भूकंप आने पर जमीन हिलने लगती है, पर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा महाबली भी है जिनके कूदने पर जमीन हिलने लगती है। आप अपने आंखों से देख लीजिए। रिसर्च करने पर पता चला कि यहाँ जमीन मैनपाट की है। इस जगह पर ऊपरी परत ठोस और अंदर दलदल है, इस कारण यहाँ कूदने पर जमीन हिलती हुई दिखाई देती है। ये भी कुदरत का एक अजीब करिश्मा है। छत्तीसगढ़ के चौराग्राम में मौजूद एक महल जहां आज भी रहस्यमय तरीके से बकरी की गंध आती है। इस महल को छेरकी महल के नाम से जाना जाता है। इस महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। आखिर इस महल में बकरी की गंध क्यों आती है, यह आज भी रहस्य का विषय है। ड्रैगन जो आज विलुप्त हो चुकी है, कई लोग इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करते हैं, परंतु बालोद के चितवा डोंगरी की पहाड़ी में ड्रैगन की आकृति मौजूद है जिसे 10,000 साल पहले आदिमानवों ने बनाया था। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या वाकई में उस समय ड्रैगन जैसा कोई जानवर रहता था, या आज भी रहस्य का विषय है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की रहस्यमय वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।